बेटा माँ झिलमा जुआ खेल के दिन भर आवत था, दूगो जीवतिया सोना के रहे वो चांदी के मार के सब छीन ले बा, आ पटक पटक लाते मुँह के एड़े पता मार के गोड़ हाथ तोड़ दे, आ छः महीना में मर के दो महीना में मर। ये लड़का थोड़ा सा ड्रिंकर है, दुआरी पे पूरा भीड़ भाड़ लागल बा, महल्ला के लोग बतिया के उन्होंने पहले भी काफी बार पंचायत मार के मुँह ले बा, चूड़ा में ले आवे घर में भागल में। मुखिया का जितना अधिकार क्षेत्र है उसके हिसाब से उसको डांटा भी गया, कुछ कड़ाई से उस पे निर्देश में, कुछ दिन वो ठीक रहता है फिर एज यूजुअल जैसा है वैसा। बारन तो एगो दिल्ली में छोटे लड़का रह लन मन का मत खत, बड़े लड़का हरियाणा में रह लन मत खत बारन, कोई देवे न हमारे के चारों बूढ़ा पेंशन मिले, दो आदमी अपन पेंशन उनसे मिले ला दो चार सौ राशन उशन मिले ला, ये खा हम तो चाहते नहीं सर के जेल हो जाए जब तक हम जी तब तक बेल ना हो के ऊपर पचासों बेर मार ही सकते हैं, मारपीट तो सकते नहीं है, मारपीट हम लोग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि मुखिया जी की FIR कर दीजिए, इसको भेज दीजिए जेल, रहेगा कुछ दिन वहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर सकता, प्रक्रिया तो कोई गार्जियन ही न करेगा, गार्जियन करेगा प्रशासन हमारे पास आएगा हमसे पूछेगा उसके बारे में तो हम लोग उसको पकड़वा सकते हैं, धरवा के यार तो आप ही को करना पड़ेगा, आपको थाना को हम लोग फोन कर ही देते हैं यहाँ से बता ही देते हैं लेकिन थाना तो आपको जाना पड़ेगा। नौता एक बार फिर हुआ शर्मसार, बेटे ने माँ बाप को बुरी तरह से पीटा, माँ बाप सगे संबंधियों के यहाँ अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत दावा पंचायत रहने वाले शंकर दयाल के तीन पुत्र हैं, दो पुत्र बाहर कमाने के लिए रहते हैं और एक बीच वाला पुत्र सुजीत उनके साथ रहता है लेकिन वो लगातार मारपीट करते रहता है। आज दंपत्ति ने बताया कि उनके पुत्र ने बहुत बुरी तरह से उनको पीटा, कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। विशेष बातचीत गांव पंचायत की मुखिया सुषुम्नलता से भी हुई जिसमें उन्होंने भी बताया कि ये बात सत्य है, वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहता है। आइए हम सुनते हैं उन दंपत्ति की दुख भरी कहानी और उस पंचायत की मुखिया सुषुम्नलता ने क्या कहा। ये कैसे चोट लगा है, क्या हुआ है आपको? बेटा माँ झील मर ले काहे करती है? जुआ खेल के दिन भर आवत था, दारू पियत हमारा जोरे मर ले बा, बिना बात के मर ले बा। कुछ काम करते है वो? कौन वो काम करता है कुछ लड़का आपका? ऐसे मर मजदूरी कर कल ही में लागल काम तो कलश में कुछ रख ले दिन भर, साँझी के दारू पिका वाला हमारा जोड़ा झुरा जला, दूगो जीवतिया सोना के रहे वो चांदी के मार के सब छीन ले ले बा, आ पटक पटक लाते मुँह के एड़े पता मार के गोड़ हाथ तोड़ दे, आ छः महीना में मर के दो महीना में मर जेबू, ऐसे कह के हमारे के दुआरी पे पूरा भीड़ भाड़ लागल बा, महल्ला के लोग बतिया आ गाड़ी देता तो अपन मतारी के अपन मुँह हो, हमने के केहू छोड़ावे ना जम जा केहू नहीं के छोड़ो वाले मार के मुँह ले बा, चूड़ा में ले आवे घर में भागल में दूसरा के घर है दूसरे घर में रह रही है। हाँ भागवान ने दूसरा घर में छुड़ा ले कोई लाते मुझे काड़ दे ले बा। कितना लड़का है आपका? तीन गो। तो बाकी दू गो? बाकी दू गो बारन तो एगो दिल्ली में छोटे लड़का रह लन मन का मत खत बारन, बड़े लड़का हरियाणा में रह लन मत खत बारन, कोई देवे ना हमारे के चारों पैसा। सबका शादी हो गया है? हाँ सबका शादी हो गई बा, हमारे के दो आदमी अपन पेंशन उनसे मिले ला दो चार सौ राशन उशन मिले ला, ये खाए ला जा दी ला जा। कौन सी का पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन? बूढ़ा पेंशन मिले ला। अच्छा अच्छा नहीं तो यहाँ से यहाँ का प्रशासन यहाँ का सरकार आपको देख रहा है, आप क्या कहेंगे उनसे, क्या कहना चाहिएगा? हम तो चाहते नहीं सर के जेल हो जाए जब तक हम जी तब तक बेल ना हो के ऊपर पचासों बेर मार चुकल सर, थाना कुछ नहीं कर सर हमारा भी पैसा बाकी कि थाना का पैसा दी, कोई बेना मरल से एक बार और मर रहे तो 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही, दूसरे के घर में जाके रह तनी लाला टोला तो कह उनका के मुँह आई बूढ़ा के हमारों के दुनिया दिखे। क्या नाम है आपका? हमारा पार्वती देवी नाम हो। कहाँ रहती हैं? हम दावा में रही ना, तो मारे ला जब तब हम एक महीना उनका घर है एक महीना उनका घर है
एक मना ही यही तय दस दिन को ही तय और सही दिन काटो तो नहीं रहे नहीं। आप इनकी कौन है, है? आपकी पत्नी है, क्या हो रहा है इनके साथ, इनके साथ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? कौन है, क्या नाम है उसका? अच्छा तो ये अक्सर होता है मारपीट, हमेशा होते रहता है? हम ना रही ना नहीं, हमेशा मारपीट। आप क्या काम करते हैं, कोई काम करते हैं? कोई के बैग बगल के ना जाए ना देखभाल ना कुछ मिलेगा। हाँ कितने लड़के हैं आपके? कितना लड़का है? तीन। तो तीनों अलग अलग रहता है? तीनों फर्क फर्क, सबका शादी हो गया है। बात का शिकायत आप किसी को किए हैं? ये सब जो दिक्कत हो रहा है किसी को शिकायत किए हैं आप, मुखिया को, थाना को? हाँ हाँ। किसको? मुखिया जी से कहा। किसको? किसको बोले? मन जी। हाँ। कौन पंचायत के? नावा पंचायत। आपका क्या नाम है? शंकर दयाल। शंकर दयाल। गाँव? गाँव दावा। जेल में चल जा। जेल में? अपना बेटा है? संतोष। हाँ जी संतोष सिंह है हमारा। ओकरा के अपना धन संपत्ति में से कुछ में सही साथ दल नहीं की चाह। हमारा के 25 बार मरलस, 10 दिन हॉस्पिटल में एक बार और रही, कोई सहारा नहीं थे, अकेले इमरजेंसी नियना के पड़ रहे। हम चाहते कि जेल हो जाओ और हमारा जिंदगी में बेल न हो के हम अपना धन संपत्ति में से कुछ न दे। हमारा बेटा ना है एने एने धांग दिल बा कहतन मर के 6 महीना में मुआई 2 महीना में आए बाबू आए दादा बोढ़ी देखी तुर दिल बा हाथ तुर दिल बा कैसे हम जी जखाई जा। मैडम जी एक दंपत्ति जो किसी तरह से इलाज करने के लिए आरा सदर में पहुंचे थे, उनका कहना है कि उनके लड़के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करते अब तक आई थी, क्या मामला है? शंकर दयाल है उनका नाम, उनके जो पिता हैं और उनका दो लोग बेटा बाहर में भी रहता है। ये लड़का थोड़ा सा ड्रिंकर है और हम लोगों ने पहले भी काफी बार पंचायती किया तो मुखिया का जितना अधिकार क्षेत्र है उसके हिसाब से उसको डांटा भी गया, कुछ कड़ाई से उस पर निर्देश में, कुछ दिन वो ठीक रहता है फिर एज यूजुअल जैसा है वैसा हो जाता है। तो इस बार वो जो मारपीट है वो ज्यादा बढ़ गया है और उनके खुद के घर में काफी लोग ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से संलिप्त रहते हैं तो मैं ये नहीं समझ पाई कि इतना मामला क्यों बढ़ गया। तो काफी बार हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि FIR करवा दिया जाए पर FIR भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है, उनके माँ बाप कभी भी FIR करने के लिए तैयार नहीं होते थे, कहेंगे कि आप समझा दीजिए तो हम लोग समझा ही सकते हैं, मारपीट तो सकते नहीं है, मारपीट हम लोग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि मुखिया जी हमारे बेटे को मार रहे हैं। तो है थोड़ा सा बदमाश किस्म का है तो हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि FIR कर दीजिए, इसको भेज दीजिए जेल, रहेगा कुछ दिन वहाँ पे तो समझ में आ जाएगा इसको भी, तो लेकिन नहीं माना वो लोग, फिर इधर झगड़ा करके फिर उन लोग को हॉस्पिटलाइज किया है। जी जहाँ तक उन लोग की बात है वो लोग पुकार कर रहे हैं कि मेरा बेटे को जेल हो जाए जब तक हम लोग रहे ताकि हम लोग, तो ये प्रक्रिया तो कोई गार्जियन ही न करेगा, गार्जियन करेगा प्रशासन हमारे पास आएगा हमसे पूछेगा उसके बारे में तो हम लोग उसको पकड़वा सकते हैं धरवा के अंदर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मुखिया के लिए सामान्य जनप्रतिनिधि के लिए, हम उसको सरपंच के पास भी भेजे थे, सरपंच ने भी अपने मार्फत जो हमारी सुमन देवी है उनके हस्बैंड यहाँ काम करते हैं पप्पू जी, उन्होंने भी अपने मार्फत काफी बार समझाने की कोशिश की, एक दो बार लोगों ने शायद मारा भी था उसको डराने के लिए लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं मारा। तो FIR तो आप ही को करना पड़ेगा, आपको थाना को हम लोग फोन कर ही देते हैं यहाँ से बता ही देते हैं लेकिन थाना तो आपको जाना पड़ेगा, FIR तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है। दंपति का आलम यह है कि वो बता रही है कि डर से वो घर पे नहीं आ रही है अपने रिश्तेदार के यहाँ जहाँ तहाँ भाग रही है। ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, बदमाश है वो लड़का लेकिन दूसरे जगह आप कितने दिन तक रह सकती हैं, घर तो आपको आना ही पड़ेगा, किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर एक दिन दो दिन रह सकते हैं तो आप वहां से थाना आए, थाना में उसको केस को आप लोगों के माध्यम से थाना को और ज्यादा दबाव दिया जाएगा, जल्दी उसकी अरेस्टिंग होकर उसको पकड़ के लेके जाए, आप अपने घर पे आके रहिए निश्चिंत से, जिसकी आदत खराब उसकी आदत तो एक बार में तो सुधार हो नहीं सकती जब तक उसको झटका लगेगा नहीं, थाना जाएगा तो अपने आप झटका लग जाएगा।